दोस्तों T20 में जिम्बाब्वे की खटिया खड़ी करने के बाद वनडे में उनकी शामत लाने को तैयार है भारत का यंगिस्तान। बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है भारत और जिम्बाब्वे के बीच सबसे रोमांचक पहला वनडे मैच। तो आखिर कब और कहां किस समय पर खेला जाएगा ये पहला वनडे मैच? क्या रोहित कोहली की होने वाली है इस वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी? क्या रहेंगी परिस्थितियां? क्या रहेगा मौसम का हाल? ये तो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ कौन करेगा टीम इंडिया को लीड? क्या रहेगी पूरी प्लेइंग 11? सब कुछ जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित और कोहली को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका देना चाहिए या फिर नहीं? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत के यंगिस्तान ने तो इतिहास ही लिख दिया। जी हाँ, इंडिया और जिम्बाब्वे के बीच खेले गए सबसे रोमांचक 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मैच में जब जिम्बाब्वे ने भारत की युवा टीम को धूल चटाई, तब ऐसा लग रहा था कि ये सीरीज तो काफी क्लोज होने वाली है। लेकिन ऐसे ही नहीं, भारत के टैलेंट को पूरी दुनिया में जाना जाता है, पूरी दुनिया में गुणगान किया जाता है। ये भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत जल्द दिखाया कि जिम्बाब्वे से भी नहीं हारेंगे। शुभमन गिल के नेतृत्व में फिर टीम इंडिया ने ऐसी तगड़ी वापसी करी कि दूसरे मैच में अभिषेक शर्मा ने शतक ठोका तो तीसरे में खुद गिल और ऋतुराज ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जिम्बाब्वे के नाक में दम कर दिया। चौथे T20 मुकाबले में बल्ला गर्जा यशस्वी जायसवाल का और 93 रनों की उनकी बेमिसाल पारी की बदौलत टीम इंडिया ने जीत की कहानी लिख दी। तो 5वें T20 में संजू टीम इंडिया की जीत के हीरो बने और 4-1 से भारत के यंगिस्तान ने T20 सीरीज जिम्बाब्वे जैसी महान टीम के खिलाफ जीत कर इतिहास लिख दिया। लेकिन दोस्तों, ये रोमांच अभी खत्म नहीं होने वाला है। जहाँ T20 के बाद बारी है अब वनडे के घमासान की, जहाँ भारत के यंग खिलाड़ी अब वनडे सीरीज में जिम्बाब्वे से दो दो हाथ करने वाले हैं, जहाँ जिम्बाब्वे के पास मौका रहेगा T20 की अपनी बेइज्जती का बदला लेने का और इस सीरीज का शुभारंभ भी बहुत जल्द होने वाला है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला वनडे मैच 17 जुलाई को हरारे के स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाने वाला है, जिसका शुभारंभ दोपहर 2:30 बजे से भारतीय समय अनुसार होने वाला है। 2 बजे टॉस के लिए सिक्का उछाला जाएगा, जहां सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क टीवी पर इस मैच को लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाएगा। वहीं फैंस भारत में इंडिया वर्सेज जिम्बाब्वे के वनडे सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर देख सकते हैं। और दोस्तों, अब जरा यहाँ की परिस्थितियों और पिच रिपोर्ट पर नजर डालें तो जैसा कि आपने T20 सीरीज में देखा कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने यहां पर बढ़त हासिल की है, ऐसे में अब टॉस जीतकर भारतीय कप्तान पहले बैटिंग करना चाहेंगे, क्योंकि यहां पर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम हमेशा फायदे में रहती है। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए औसत स्कोर 270 रन है। ऐसे में टॉस इस मैच में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि अब तक जितने भी मैच हुए दोनों ही मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। ऐसे में टॉस जीतना दोनों कप्तानों का पहला लक्ष्य रहने वाला है। और अब T20 में हार के बाद जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम भी गुस्से से बौखलाई हुई है, इसीलिए अब वनडे सीरीज के लिए उनकी टीम में कई बड़े बड़े बदलाव हमें देखने को मिले हैं। जहां उनके पास बल्लेबाज तो एक से बढ़कर एक है, इनोसेंट काया से लेकर ब्रायन बेनेट, खुद कप्तान सिकंदर रजा और वैशाली मधुविरे जिम्बाब्वे की जान है, तो जोनाथन कैंपेबल और क्लाइव मंडाडे टीम इंडिया के खिलाफ अच्छी बैटिंग करने के लिए जाने जाते हैं, उनके पास गेंदबाजों की कोई कमी नहीं है। तिंडई चतारा से लेकर ब्लेसिंग मुजरवानी, वेलिंगटन मसाकाज्जा और ल्यूक जंगवे का हमला और जलवा दोनों हम T20 सीरीज में देख चुके हैं। ऐसे में जिम्बाब्वे को भारतीय टीम बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि भारत की एक गलती का फायदा उठाते हुए जिम्बाब्वे तगड़ा पलटवार कर सकती है। ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 में भी इसे काउंटर करने के लिए कुछ बड़े बदलाव हमें नजर आने वाले। हालांकि जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में किसी भी सीनियर खिलाड़ी की वापसी नहीं हुई, ऐसे में वही टीम जो T20 सीरीज में नजर आई थी वही हमें वनडे में भी जलवा दिखाती हुई नजर आएगी। ऐसे में बता दें कि ओपनिंग क्रम में कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की जोड़ी लगातार लाजवाब बैटिंग करके जो आ रही है वही दिखाई देगी। ऐसे में इसमें कोई बदलाव शायद ही किया जाएगा। वहीं नंबर 3 के पायदान पर अभिषेक शर्मा और नंबर 4 के पायदान पर ऋतुराज गायकवाड़ भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे हैं, तो 5 नंबर पर बेहद खतरनाक संजू सैमसन भी अपने बल्ले से जलवा दिखाने को तैयार है। वहीं आपको बता दें कि 6वें नंबर पर शिवम दुबे का बल्ला भी गरज रहा है और अब वनडे में भी इस खिलाड़ी को अपना जलवा दिखाने का मौका दिया गया है। वहीं रिंकू को निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं है, ये खिलाड़ी तो लाखों करोड़ों में एक है। T20 के बाद अब वनडे सीरीज में भी उनसे सबको बहुत ज्यादा उम्मीदें रहने वाली है। रवि बिश्नोई और सुंदर की बल्लेबाजी और गेंदबाजी तो सीरीज का सबसे बड़ा हथियार है। ऐसे में इन दोनों की जोड़ी में कोई भी बदलाव नहीं होगा,
तो वहीं आवेश खान और खलील अहमद की जोड़ी को बदलना मैनेजमेंट नहीं चाहेगा, क्योंकि ये दोनों अपना काम बखूबी कर रहे हैं। ऐसे में केवल एक बदलाव भारत की प्लेइंग 11 में हो सकता है, वहीं पिच के हिसाब से हो सकता है हर्षित राणा और तुषार देशपांडे में से किसी एक को अंतिम मोमेंट पर प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि T20 सीरीज के बाद इस पहले वनडे मैच में कौन जीत का झंडा गाड़ेगा? अपनी कीमती राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।